द नकल्स बाय द चेन्नई हाईकोर्ट कि आपने ऐसी पिक्चर दिखाई क्योंकि वो लड़की भाग गई. तो अभी बेचारा सेंसर बोर्ड भी क्या करे यार, मुझे भी पोस्ट दिया होता ना सेंसर बोर्ड पे तो आप लोग मुझे भी जूते मारते. सो आई एक्चुअली फील दैट यू नो अनटिल एंड अनलेस एटीट्यूड ऑफ एवरीबॉडी अराउंड चेंजेस. थैंक यू. माइक प्लीज. मैं सीधा आपसे ये पूछने वाली हूँ कि इवन दो आई नो दैट यू नो द रीज़न वाई यू हैव मेड दिस फिल्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन मेरे अंदर का जो मूवी प्रेमी है वो ये पूछना चाहता है आपसे कि नेशनल अवार्ड यहाँ पर एक और बार आपके हाथ आने वाला है आफ्टर दमन. आई थिंक दिस इज इट. व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट इट? इंटेंशन तो वो नहीं था, लेकिन ज़रूर इंटेंशन वॉज के जिस थॉट प्रोसेस से ये फिल्म बनी गई है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा है आज हमारे देश में कि एक वेकअप कॉल की बहुत ज़रूरत है. जी आप स्टेटिस्टिकली देखेंगे तो हाथ से जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है, और क्राइम बढ़ रहा है लेकिन जो हम लोग के लीडर्स, पॉलिटिशियंस, जुडिशियल सिस्टम है उनका माइंडसेट नहीं बदल रहा है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि लाइक आई सेड द इंटेंशन बिहाइंड दिस फिल्म वॉज के कहीं ना कहीं लोग थोड़े जागरूक हों, कुछ मैसेज पहुँचे लोगों तक कि इट्स टाइम टू एक्ट. यू आर रियली चूजी यू नो व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स नाउ. मतलब सालों साल हो रहे हैं हम आपको देख नहीं रहे. इज इट बिकॉज यू एक्चुअली वॉन्ट टू ओनली पुट फॉरवर्ड थिंग्स दैट यू रियली बिलीव इन एंड यू नो वो फ्रिवलस समय निकल गया है जिंदगी से? इज इट लाइक दैट? फ्रिवलस तो शायद कभी नहीं किया अबाउट माई वर्क. जो भी आज तक किया है रिस्पेक्ट द बॉडी ऑफ वर्क दैट आई हैव डन. कोई रिग्रेट्स नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर सिलेक्शन जहाँ तक के बात आती है कि यू हैव टू बैलेंस टाइम बिटवीन फैमिली, करियर एंड बीइंग व्हाट यू आर, योर वेरी एग्जिस्टेंस, आई थिंक इट्स नेसेसरी कि कहीं ना कहीं एक सही बैलेंस मिले एक इंसान को, जो मैं कोशिश कर रही हूँ. और उसके अलावा डेफिनेटली सिलेक्टिव होना मेरे लिए इस मुकाम पर हैज़ ऑलवेज बीन सेल्फ मेड डिसीजन कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हर हफ्ता कोई पिक्चर लगे. ऐसी काफ़ी स्क्रिप्ट्स आते हैं, बहुत स्टोरीज आते हैं जिनको हाफ द टाइम मैं मना कर देती हूँ बिकॉज इधर कर चुकी हूँ, बीन दैट डन दैट. लेकिन एज एन आर्टिस्ट के कोई ऐसी चीज़ आए आपके सामने जो आपको चैलेंज करे, विच पुशेज यू बियॉन्ड योर लिमिट्स, और आप जिसमें बिलीव करें. अगर मैं ही ऐसे एक टॉपिक को या ऐसे इशू को जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, जब मैं बिलीव करूँगी, यकीन करूँगी, तो शायद मैं आपको यकीन करवाऊँ. बिल्कुल बिल्कुल. रवीना जी. आरती सक्सेना. हाँ जी आरती जी. बहुत दिनों के बाद. अच्छा मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केस होते हैं जबकि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो ये मतलब मुझे पूछना था कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लाइक वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कानून नहीं है? देखिए जी, ये नहीं कहना चाहूँगी कि वहीं कानून नहीं है, मतलब पुलिस बहुत वीक है वहाँ पे, बॉम्बे की पुलिस ज़्यादा नहीं. ऐसी कोई बात नहीं है. आई थिंक क्या होता है कि हर स्टेट की अगर आप स्टेटिस्टिक्स लें तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे केसेस हर स्टेट में होते हैं, हमारे पूरे देश में हो रहे हैं. जो आजकल नज़रिया जिस पे आया हुआ है वो जो सबसे भयानक दो तीन जो केसेस हुए, जो न्यूज़ और मीडिया में इतनी अटेंशन मिली, अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली से आए, यू नो. तो या तो आप कहेंगे अवेयरनेस शायद ज़्यादा है वहाँ पे कि वो रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन स्टेटिस्टिकली ये तो प्रूव नहीं किया गया है कि कौन से स्टेट में क्या क्राइम ज़्यादा है. पर हाँ ज़रूर ये है कि ताज्जुब लोगों को ज़्यादा इसलिए होता है दिल्ली के कि हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो सेंटर है वो वहाँ पे है, इसलिए शायद दिल्ली ज़्यादातर फोकस में है. नहीं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ कि दिल्ली में ज़्यादा है या मुंबई में ज़्यादा है या इधर कम है या उधर कम है. रवीना जी इधर राइट साइड में. तो आपके हिसाब से रोकने के लिए क्या, मतलब आप क्या बोलेंगे कि लाइक रुक जाए, ये कम हो जाए, या तो एटलीस्ट? ये देखिए, पहली बात तो जो माइंडसेट है वो लोगों का बदलना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर ऐसे हादसों में देखा क्या है कि जो जख्मों पे, विक्टिम्स के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली जो बातें होती हैं, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं कि वो लड़की जीन्स क्यों पहनी थी, या उसने स्कर्ट क्यों पहना था, या वो 9:30 बजे टेनिस खेलने क्यों गई थी, तो ये दे आर शेमिंग द विक्टिम मोर. ज़्यादातर या तो ये बोलें कि नहीं ये हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं,
एंड वी अपोलोजाइज एज पोलिटिकल लीडर्स के वी फेल टू प्रोटेक्ट दैम. हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें और हम फेल कर चुके हैं. हम इसके लिए शर्मिंदा आगे से ही देखेंगे नहीं हो. पहले तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ही ज़रूरी है लोगों का. ज़्यादातर ये भी बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं हम औरतें भी सोचें कि जो हम बच्चों को बेटों को और लड़कों को जिनकी परवरिश कर रहे हैं उनकी हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको बचपन से सिखाना कि जो वीकर सेक्स है या जो थोड़े अबला हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी मदद करना. ये नहीं कि उनको बुली करना या उनको नीचा दिखाना. तो ये कहीं ना कहीं परवरिश के ऊपर भी होती है बात कि बचपन से आप अपने लड़कों को सिखाएं कि जो महिला आपके बगल में बैठी है वो किसी की बहन है, किसी की आपकी दोस्त है, वो किसी की बेटी है या किसी की माँ बन सकती है. तो ये लड़कों में भी बचपन से डालना कि आप आदर करना सीखिए, यू नो रिस्पेक्ट पहले से ही करना सीखे. दिस इज ऑल नेसेसरी. सो दिस द बेसिक माइंडसेट. जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक एक्शन भी नहीं लेंगे लोग. और ऐसे ही चलता रहेगा कि अरे ये तो दूसरे घरों में होता है, हमारे घर में तो आज तक नहीं हुआ, ये तो हम क्यों परवाह करें. ये बात नहीं है. सबकी बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, सबकी माएँ हैं. तो कहीं ना कहीं दिस हैज टू स्टार्ट इवन फ्रॉम अस, फ्रॉम वुमेन. वी कांट ओनली ब्लेम द मैन अलोन. जिन घरों में ऐसे लड़के हैं जहां देख रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, टेल देम नो दिस इज रॉन्ग. आप अपनी एटीट्यूड बदलिए पहले. सो आई फील कि जब तक ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जुडिशियल जो सिस्टम है, जो लॉ सिस्टम है, उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे चेंजेस और ऐसे थोड़ा बहुत बदलाव लाएं जो लोग लॉ से डरने लगे. आजकल ऐसे लगता है कि इनको परवाह नहीं है, किसी को लॉ का डर ही नहीं है. आप इतने ब्लेटेंट केसेस देखेंगे, अभी जो हाल में मैंगलोर में भी हुआ, यू नो उनको डर ही नहीं था, किसी को लॉ से डर ही नहीं था. वो ठीक है 3-4 महीने अंदर जाएंगे, बेल पे छूट जाएंगे, क्या है यार. You know, that's the attitude which has to change. Even the Malayalam actress. Exactly, that Malayalam. Ravina ji. रवीना जी, जैसे आपने कहा कि मैं सब आवाम तक पहुंचाना चाहती हूं अपनी फिल्म जी, क्या आप कानून में भी अमेंडमेंट देखना चाहती हैं कि कुछ सख्ती की जाए, ऐसा कुछ कानून में? बिल्कुल सख्ती होना जरूरी है, वो समय आ गया है. हम लोग वही लॉज पे चल रहे हैं जो 70 साल पहले और 80 साल पहले, वो जमाना अलग था. आज की दुनिया बहुत बदल गई है. इट्स बिकम अ डेंजरस वर्ल्ड एंड इट्स नॉट ओनली फॉर आवर चिल्ड्रन, इट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. What kind of a world are we leaving behind for our future generations? So somewhere the laws have to change to work with today's time, with today's dangerous time. Because ऐसे मतलब आप ही देखिए कहीं ना कहीं, मुझे तो बदलाव नजर नहीं आ रहा है. You know, चाहे governments बदल गए, लेकिन जो जो crime against women है उसमें तो बदलाव आया ही नहीं है. So somewhere इट हैज़ टू स्ट्रेंथन. ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि बहुत हो गया. अब कितने रोज हम पेपर पढ़ते हैं, अभी सोचते हैं चलो भैया एक और हो गया हादसा, नेक्स्ट डे एक और हो गया, नेक्स्ट डे एक और हो गया, पर रुकेगा? और लड़कियों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, पहनावा या एक्सपोजर, वो भी ज्यादा अटेंड करता है? अभी अभी वही बात आपने कही जो मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाह रही थी कि यही एटीट्यूड बदलना जरूरी है. आप मुझे बोलिए, आप लोग ने पढ़ा होगा पेपर में 6 महीने की बच्ची का रेप हो गया, 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, 5 साल की बच्ची को रेप करके गटर में फेंक दिया क्या, मर्डर करके? क्या उन्होंने ऐसे कपड़े और ऐसे एक्सपोजर किया था? उसका क्या एक्सक्यूज है? उसका क्या एक्सक्यूज देंगे लोग? सो इट्स अ प्लेन एंड सिंपल फैक्ट कि माइंडसेट बदलना है. रवीना जी, हम यहाँ पे महिलाओं के लिए कानून बदलने की बात कर रहे हैं, कानून पे सख्ती की बात कर रहे हैं, महिलाओं के दिन बदलने की बात कर रहे हैं. ऐसे में ट्रिपल तलाक को किस तरह देखती हैं? 3 बार तलाक बोला और बात खत्म हो जाती है. सी बेसिकली जो जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं मात्र, दिस बेसिकली डील्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. वुमेन्स राइट्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इशू. सो व्हेन वी मेक अ फिल्म ऑन दैट देन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन. Ravina, ma'am, here towards your left, just in here. Ma'am, when the first poster was out, a lot of people said that this is a powerful return of Ravina and Ravina is back. As an from where? That's what doesn't come true. Thi aur main kahan se aa gayi? Main Bombay mein hi thi itne saal. Yeah, as an actress who's been part of the industry for more than 2 decades, how do you react to the term comeback?
You know, I find that a very strange term because nobody uses this kind of a term internationally, honestly. Because I think everyone becomes selective after a while, you know. And I was in that I've worked also in the 90s where we used to do 30 films at a time. But the whole trend has changed. You know, now if I have reached a point as an actor where I will do a film which I believe in, you know. I've actually done a couple of films in the middle. I did a Shobhna Seven Nights, which was made only for festivals. It did very well. It won a couple of awards in Houston and Chicago, the international film festivals. I have just completed Honor's Shab. So I don't see myself going anywhere. I've been working on TV all along. It's just that the choice of film that you make and you decide, okay, this is what I want to be associated with after a while, and which is challenging enough for you. And that is where I feel, even now, after I do Matra and after I've done Shab, I don't know when again I'll do a film again. So how many times will I make a comeback? So it's like, you know. Right. Also, there were reports that Rahat Fateh Ali Khan will be featuring in a promotional video, perhaps, considering that the times that we're living in, there's a ban on Pakistani actors and artists. How do you take it forward? You know, that's a question that the producers will answer, but as far as I'm concerned on a personal level, I feel art, culture, music has no boundaries. Music is something that flows from within, has no walls. You can't conceal it. Once the sound, the musical notes are out, you can't close it up. To the producers, the same question. I mean, will we see your video featuring Rahat Fateh Ali Khan? Well, it would be very ideal if you could, but unfortunately at this stage, it's not happening. So, hello. Ravina ji. अभी तापसी पन्नू की फिल्म भी अभी रिलीज हुई नाम शबाना और आपके साथ एक और रिलीज हो रही है नूर तो लगता है इस साल क्या सब लेडीज लोगों ने धावा बोलने का I think बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है ना you can see the film industry at least going towards a progressive step where we women are coming out on our own and I think industry has also broadened its horizons that today we see varied films varied roles for women also to do so I think for this I should congratulate the industry absolutely मतलब हर फिल्म में ये दिखाया गया है कि पुलिस कुछ नहीं करे कानून नहीं करे तो खुद ही बंदूक उठा लो तो मतलब रियल लाइफ में ऐसा सोचती कौन सी उम्र से पिक्चर देख रहे हो नहीं मैंने तो बहुत देखी लाइक अभी ये तापसी वाली में भी वो खुद ही मर्डर कर रहे हैं मैंने देखी नहीं है लेकिन हम मर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं इस फिल्म में एंड ऑनेस्टली मैंने फिल्म नहीं देखी है तो आई रियली कांट कमेंट ऑन इट बट आई हैव हर्ड इट्स शी इज गिवन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिल्म्स लाइक दिस एट दिस स्टेज ऑफ आवर इंडस्ट्री आई एम वेरी प्राउड मैं तो बोलती हूँ हर हफ्ते निकलनी चाहिए औरतों के ऊपर फिल्म Ravina, you've been totally involved in the, you know, like character that you played, matlab wo nazar aa raha hai, and I mean, hats off, it was very convincing and authentic. Can you share as to, even after pack up, I mean, was that some kind of a hangover that you had of the character? Because, you know, the performance is so intense and sensitive. You know, Chaitanya, there were a lot of scenes that I was dreading to shoot. Because जब मुझे स्क्रिप्ट ही नरेट हुई तो आई वॉज इन टीयर्स एंड जब यू नो ये फिल्म शूट हुई तो ऐसे काफ़ी यू लगरी विथ मी ऐसे सीन्स थे जो मतलब हिला देने वाली बात थी शूटिंग तो ख़त्म हो गई शूटिंग करते दौरान जब सीन्स ख़त्म करके वापस जाते थे बिलीव मी एटलीस्ट फॉर 4-5 nights though I didn't sleep. I was working like a zombie, like a robot. I would wake up in the morning, come back and say, main ek ghanta bhi nahi soyu, you know? And we would shoot. Because the thought of doing this only was so disturbing. And to see something like this is so disturbing. Maine jab ye film khatam ki and hum log ne sab sync sound kiya. Unfortunately, what I was dreading, wo hi hua, ke inhone kaha dubbing कीजिए आप उस सीन का क्योंकि इतना एक्शन है उस सीन में कि कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है तो वी हैव टू डब फॉर दोस सीन्स मैंने बहुत दिन अवॉइड किया मैं कहा नहीं वैसे नहीं होगा मुझे एक्चुअली हिम्मत जुटानी पड़ी कि मैं आऊं और उस सीन को डब करूं एंड डबिंग के दौरान भी जब आप एक फुल फ्लो में जो आपने एक सीन शूट किया जब आप फुल फ्लो में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर गिरता है एंड आई कुडंट स्टॉप क्राइंग इट टुक मी लॉन्ग
So our sound recordist is also here, our sound people are also here. And he'll tell you hi. Raise your hand up. Hemant. So yeah, so Hemant is witness to that, that I just could not stop crying. ऐसे मतलब हेमंत बोला था मैम शॉट ओके टेक ओके चुप रहे यार नहीं ऐसे नहीं बोला लेकिन दिस इज अ जोक लेकिन एक्चुअली बट इट वाज नॉट इजी टू वॉच एंड आई थिंक दैट इज द मैसेज जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं कि जब हम खुद यहाँ बैठे बैठे ऐसी चीज फिल्म पे नहीं देख सकते तो आप उन फैमिलीज की सोचिए जो इन हादसों से गुजर रहे हैं या उन औरतों के बारे में सोचिए जो इन हादसों से गुजरी हैं हमने तो निर्भया केस के बारे में तो पेपरों में पढ़ा लेकिन कभी ऐसे सोचा भी था कि एक इंसान एक दूसरे इंसान को इस हद तक ऐसी ब्रूटैलिटी कर सकता है ये कभी जहन में भी नहीं आया होगा किसी पिक्चर में भी नहीं देखा होगा और सेंसर बोर्ड ने काटा भी नहीं होगा लेकिन ये असलियत में हुआ मैं उनकी मदर को मिली थी आशा देवी जी को हम लोग ने एक सेव विमेन फाउंडेशन से हम लोग हाथ जुड़े हुए हैं इस फिल्म की पहली जो हमने स्टार्ट ऑफ की उसके साथ की उस फाउंडेशन के साथ एंड उन्होंने उनको इनवाइट किया था और काफ़ी कुछ दिल्ली के प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे एंड उन वो जो विक्टिम है उनकी जो मदर हैं उनके आंसू तो अब तक नहीं सूखे हैं और शायद ज़िंदगी भर नहीं सूखेंगे तो जब ऐसी चीज़ें हाथ से रियल लाइफ में होते हैं और हम लोग जो रियल लाइफ में करके हम लोग से देखा नहीं जाता या हम लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप समझिए जिंदगी भर की तो वो सजा भुगत ही रहे ना और बाकी तो छूट गए जिसने सबसे भयानक क्राइम किया वो तो छूट गया लेकिन जिंदगी भर की सजा तो उसकी माँ को दे गया ना और वो भी तो बेचारी चली गई सो मतलब वो ही बोलती है कि हाँ कैंडल लाइट मार्चेस होते हैं ये इनकी ही बात है कैंडल लाइट मार्चेस होते हैं लोग आते हैं चैनल वाले आते हैं पॉलिटिशियन स्पीचेस देते हैं उसके बाद क्या पांचवें दिन पर इट्स बैक टू बिजनेस बात खत्म हो गई भूल गए जब तक नेक्स्ट रेप केस आया तो मतलब कि हमारी सोसाइटी में क्या डर ही नहीं है लॉ के लिए सो दैट इज द फीलिंग दैट वी गेट कि जब हम फिल्म पे ऐसे हमारी हालत हो रही है तो जो रियल लाइफ में लोगों के कभी हमने सोचा उनके बारे में रवीना आपसे सवाल है कि आपका आपकी मम्मी के साथ क्या कैसा रहा है और आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी महिलाएं रही हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट आप पे स्ट्रॉन्ग वीमेन रहे एक ये सवाल और दूसरा ये कि श्रीदेवी की फिल्म से बहुत कंपैरिजन हो रहा है तो उसको लेके आप मैं कौन सा पहले जवाब जो आपकी मर्जी मेरे दिमाग में तैयार है पहले तो मैं श्री जी के बारे में बोलूँगी शी इज़ मच माई सीनियर आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट आई हैव ऑलवेज बीन अ द बिगेस्ट फैन ऑफ हर्स एंड आई एम प्राउड मतलब आप अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो अगर जो रिलीजेज होती हैं तो आप 10 लव स्टोरीज देख लेती हैं लेकिन टुडे आई एम प्राउड कि ऐसे टॉपिक्स पे चाहे वो पिंक हो या मॉम हो या मातृ हो माँ के बहुत रूप होते हैं मातृ भी होता है और मॉम भी होता है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से that our industry is making these films today. I will support her in every way. And I'm proud ki aisi message wali picture aur bane. Main bolti hu do hi kyun in a year. There should be many, many more. So there is no comparison. I feel a message like this should be given at least 6 months in a year to wake up people in every format. Yeah, that's what I feel. I'm very proud of the fact that these films are being. I'm proud of my industry. You know, and the fact that, जैसे आपने कहा, what is my relationship with my mom? I think it's very, very important to have a stable family and an upbringing. Chaitanya has met, I think, also worked with my dad, and I think they've been my backbone. They've been there to pick me up when I fell, and that is what a mother does. She picks you up and makes you walk again. Hi, this is Arundhati. Hi. You know, the trailer is very interesting, but there is one dialogue that says, "Kabhi kabhi andar ke Ram ko jagana padta hai." Is that a way of celebrating gender equality in this film? I didn't understand your question. There is a dialogue in this film that says that "Kabhi kabhi andar ke Ram ko jagana." It's a metaphor. So you think when we are talking about Ram, are we saying that you know, we need that power that we get it from a man like
that manly power that we need to protect ourselves. You know, I think this is taking it a little too far, because I don't think anyone thought of this while doing this, but everyone has become so sensitive about everything. I don't think anyone can make a Santa Banta joke also anymore, until there are 10 things thought behind it. No, that was not our thought, honestly. That was not our thought. But like I say, every woman has an inner shakti within herself. If you've read any of my earlier interviews, you will always know that the fact that we women are capable of almost everything. We women come from a country that worshipped Kali, worshipped Chandi, worshipped Durga, worshipped Lakshmi, worships Saraswati. The every roop and form of a woman. And somewhere every woman in India has that in her. It's in her to bring out that shakti. Which shakti she chooses to be at what time. So this is just a metaphor used in the film. रवीना जी ऑन योर लेफ्ट प्रमोट नहीं करना चाहती कोई खास अगर आप बता यू नो मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में थी एंड आई वाज स्टक इन द मिडल ऑफ अ स्नो ब्लिजर्ड तो थैंकफुली मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था सो हैड टू डेज ऑफ कंप्लीट पीस बट जब मैं वापस आई आई थिंक इट वाज अ डिसीजन मेड बाय द होल टीम एंड आई वाज टोल्ड दैट दिस इज द डिसीजन दैट हैज बीन मेड And what obviously the producers and the whole team of the film wants, I will abide by that. Ravina, I want to ask you one question. You spoke about censor mode. So have you guys faced any issue because you are telling almost a true story in the film? So have you faced any problem? And the second question I want to ask you is that your film is going to clash with another film. So and nowadays it's become a trend in the... It's become a trend that most of the films are clashing with some other film. So how do you see and look at this situation? I look at it ke industry mein bahut prosperity hai. Itni picture ban rahi hai ke release hone ke dates nahi mil rahe hain. So I think it's a good sign. But yeah, it is difficult nowadays to get a proper viewership for a film kyunki 3-4 films saath mein aa rahi hain. In fact, I was just talking to Anupama Chopra and she was telling me that there are about 7-8 films releasing this very weekend. So, you know, everyone's going nuts, going for press shows and here and there. And I think that is becoming an issue because everyone wants a good date and a proper release for their film. Because when you get a proper release, definitely you get more viewership and, you know, your message goes across. Nahi toh, everyone's cutting into everyone's business actually, you know. But honestly, our film is not about business. Our film, and I can say for all these three boys sitting here as well, are you happy I called your boys? Okay. Well, these three men sitting here as well. Here we are not talking about gender equality or gender biases at all. Like I said, I think we women also to a certain degree hold a certain responsibility in educating our sons and our brothers and the men of our family and taking up a strong stand. These guys have also felt very, very strongly about the message that the film, you know, shows. So that was the intention behind making of this film. We also know that a lot of realistic cinema does not get the kind of approach that regular box office films do. We are ready to face that as long as our message goes across. So we are fine with that. You had asked me one more question before. Censor board. The censor board. As far as the censor board goes, you know, it's very easy to stand up and say censor board aisa, censor board aisa, censor board aisa. This has been happening since decades. ये नहीं कि अभी ऐसा हुआ है बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं माई हस्बैंड्स अ डिस्ट्रीब्यूटर सो आई नो हाउ मेनी फिल्म्स एंड हाउ मच ही एक्चुअली यू नो फाइट्स अगेंस्ट सो कॉल्ड सो मेनी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हु आर प्रोटेस्टिंग और टेकिंग ऑब्जेक्शन ओवर वन लाइन और वन वर्ड और एवरीथिंग एवरीवन्स बिकम सो सेंसिटिव बट द फैक्ट रिमेनिंग दैट आई थिंक सेंसर बोर्ड हैज सर्टन अमाउंट ऑफ गाइडलाइंस दैट दे हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू मी इवन देयर हैंड्स आर टाइड बट the plus point has been that they have also believed in this film and they also do believe, that's the positive feedback that we've got, that they believe in the message of the film. But unfortunately, according to their guidelines, there are a few things that we can show and we can't. You know, we as makers and as the part, and me as part of the team, do believe that until and unless you're, you know, only sugarcoating things and giving it to the public, public will always remain indifferent. एटीट्यूड बदलेगा ही नहीं जब तक आप ब्रूटैलिटी नहीं दिखाओ कि दिस इज व्हाट हैपेंस डू यू नो सो इट्स नॉट ओनली कि अरे नेबर की लड़की के साथ ये हो गया यू रियलाइज दैट दिस इज द डेंजरस वर्ल्ड दैट इज हैपनिंग एंड जस्ट
letting go and being indifferent about it is not going to change people's attitudes. So the fact is that they are also in a catch-22 situation. And I mean, for example, I don't know whether how many of you all know that there was a court case just now in Chennai that happened, that a girl eloped with her boyfriend. It's in the papers in Chennai. You all can all, you know, look for, search for it. And the Chennai High Court called the censor board that the girl eloped with her boyfriend because she saw it in the movie. So in court, she said, "I did it because I saw it in the movie." And that was a movie with a U certificate. And the poor censor board has been called and has been wrapped at the knuckles by the Chennai High Court that you have shown such a picture because that girl ran away. So now, what does the censor board do? What does the censor board do? The censor board also gave me a post on the censor board. So I actually feel that, you know, until and unless a attitude of everybody around changes, and the liberty to think and the liberty to show the facts that happened so that it, the message goes across, does not happen, everyone's hands are tied. Thank you. मेरे पास में एक सवाल नहीं, आप कहाँ जा रहे सर? ऐसे नहीं सर, इतना ऐसे आसानी से कहा. मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग पिछले आधे घंटे से रवीना की बातें सुन रहे हैं. वी आर ऑल लाइक, यू नो, इन ऑ ऑफ हर, मेस्मराइज्ड बाय व्हाटएवर शी इज सेइंग. रेडियो जॉकी के पेट में लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं आप, मुझे लग रहा है. वर यू इंटिमिडेटेड विद, यू नो, अ वुमन सो स्ट्रॉन्ग ऑन, यू नो, यू नो, यू शूटिंग एंड कैमरा पैसा देख करके कि स्टोरी ऐसा है, वुमन इतनी स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग बीइंग देयर, वर यू इंटिमिडेटेड एवर कि ओ माय गॉड? कोई बात नहीं, ना ना नहीं पता. नो, आई वाज इन ऑ. ओह, दैट इज सो नाइस. एंड आल्सो, आपने, how did you break off with it? You know, I'm sure as an actor, तो फिर भी थोड़ा सा उतना सीख जाते होंगे, but then, you know, a story this strong, a topic इतना ज़्यादा intense and deep, and you're directing it or you are a part of it. आप जब घर जाते थे, आप उसमें से बाहर कैसे निकलते थे? अभी तक नहीं निकल पाया. दिख रहा है अभी. All right, कोई और